दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी सेकंड ईयर थर्ड ईयर की स्पेशली, और फर्स्ट ईयर की भी मैं ट्राई करूंगा। तो जो तक तो आपके एग्जाम्स होंगे, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। मैं कुछ हद तक अब फ्री हुआ हूँ, ठीक है? तो बच्चों, अगर आपको ये जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? इसके नोट्स आज करवा रहा हूँ, क्रिटिकल एप्रिशन आज करवा रहा हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.rguruji.in पे जाके वहाँ से ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पे यूआरएल दिख रहा होगा, ठीक है? तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इंट्रोडक्शन बात नहीं, पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि भाई जो वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ये एक्चुअल में एक किस तरह की पोएम है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखो, ये जो वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1807 में, जो वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन था पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स के अंदर, ठीक है? और ये उन पोएम्स में से है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसमें एक्चुअल में जो फोकस हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है वो फोकस हो रहा है कि जो ह्यूमन है उसका इंडलजेंस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा हो रहा है। मतलब ह्यूमन नेचर से भाग रहा है, नेचर से उसका कनेक्शन टूट रहा है, और वो ज्यादातर कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, खुद को कहाँ बिजी रख रहा है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। यानी नेचर की ब्यूटी को प्रेज इतनी नहीं करती है पोएम जितनी, या फिर पास्ट की मेमोरीज को इतना मतलब लेके नहीं आती है। जैसे वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में अक्सर ये होता है कि नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाएगा, पास्ट की मेमोरीज को वापस लाया जाएगा, और नेचर को इन्वॉल्व किया जाएगा उसमें। बट इस पोएम में जो है वो कनेक्शन की बात हो रही है कि ह्यूमन कनेक्शन नेचर के साथ में कम हो रहा है और ह्यूमन मेटेरियलिस्टिक फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है? पोएम सेंट्रलाइज्ड है उन टाइम्स पे, कौन से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम्स पर सेंट्रलाइज्ड है, जब मैन एक तरीके से भागना स्टार्ट हो गया था नेचर से और किधर जा रहा था, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, है ना? और वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि देखो, वी ले वेस्ट आवर पावर्स इन इन्वॉल्विंग टू मच इन दिस वर्ल्ड। मतलब बेसिकली हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका व्यर्थ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जोड़ रहे हैं, नेचर से नहीं जोड़ रहे हैं। मतलब तो हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे एक तरीके से इमोशंस का, हमारी फीलिंग्स का, हमारी एनर्जी का, हमारे टाइम का, इन सब का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नेचर की परवाह नहीं कर रहे हैं। देखे जाए तो इस ब्यूटी, सी की ब्यूटी हो, चाहे विंड्स की हो, चाहे फ्लावर्स की हो, ये ब्यूटी अब हमको मूव नहीं करती, हमको मतलब एक तरीके से झकझोरती नहीं है, हमें फील नहीं होती, हमारे हार्ट को टच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमने तो हमारे जो हार्ट्स हैं, हमारे दिल हैं, वो दे दिए हैं। किसको दे दिए? मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दे दिए हैं। हमारा दिल उधर लग रहा है, अब हम नेचर की तरफ अपना दिल ही नहीं लगा रहे, है ना? तो इसलिए हमको नेचर की ब्यूटी है वो एक तरीके से टच ही नहीं करती, फील ही नहीं होती। तो इस सिनेरियो में जो पोएट है वो फिर भी नेचर के साथ में रहना चूज करता है और नेचर की कंपनी को एंजॉय करना चूज करता है। वो बोलता है कि बाकी सब जैसा हो रहा है वो, परंतु मैं तो नेचर के साथ ही रुकूंगा, मैं एक पेगन कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है? क्योंकि उसमें एक तरीके से आप बोल सकते हो नेचर की पूजा होती है, तो नेचर के साथ में रहना पसंद करता है। थीम्स, थीम्स क्या है? इंडलजेंस इन मेटेरियलिज्म। पहली बात तो मेटेरियलिज्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन का, जैसा कि टाइटल सजेस्ट भी करता है। टाइटल क्या बोलता है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि संसार हमारे साथ बहुत ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं हम संसार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वी आर टू मच एनग्रॉस्ड इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। और यही नई रियलिटी थी 19th सेंचुरी वर्ल्ड की, 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था और ह्यूमन जो था ना वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो रहा था, गाँव से भाग के शहरों में आ रहा था, शहरों में फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, भाग दौड़ में लगा हुआ है, 2 टाइम की रोजी रोटी कमाने के लिए 12-12 15-15 घंटे काम कर रहा है। तो मतलब उस वक्त की रियलिटी इस तरह की थी। तो वो उस वक्त अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, और लोग जो थे ना उस फिजिकल वर्ल्ड में फंसे जा रहे थे, ट्रैप हो रहे थे, नेचर से दूर दूर भाग रहे थे, बल्कि वो एक्चुअल में अशांति की तरफ भाग रहे थे। वो उस शहरी जीवन में बिल्कुल अशांति के अलावा कुछ भी नहीं था, वो एक तरह से गुलाम की तरह थे। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, कोई शांति नहीं है, बस रात को मुश्किल सो पा रहे हैं, अगले दिन उठ के फिर भाग रहे हैं काम पे। और कहीं कभी जमाने में गाँव में रहते थे, नेचर के करीब रहते थे, तो वो लोग शांति भरे जीवन जीते थे, भले ही पैसे कम थे परंतु जीवन शांति भरा था। अब वैसा नहीं रह गया, तो मेटेरियलिज्म बहुत ज्यादा इंडलजेंस हो गया, ये एक थीम है। दूसरी थीम क्या है? मैन का इंडिफरेंस हो रहा है नेचर के प्रति, नेचर के प्रति उसका इंडिफरेंस, लगाव नहीं हो रहा, दूर भाग रहा है। ये जैसे मैंने बोला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम था, तो आदमी जो था ना वो नेचर से अलूफ, नेचर से दूर होता जा रहा है, अलग होता जा रहा है, और शिफ्ट हो रहा है उसका फोकस पैसे कमाने की तरफ। तो मैन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो वर्ल्ड में ज्यादा हो गया है, और एक तरीके से उसको इमोशनली नंब, इमोशनली शून्य बना दिया है। मतलब उसको फील नहीं हो रहा कुछ भी, नेचर के प्रति कुछ भी फील नहीं हो रहा है, इमोशनली नंब हो गया है, सुन्न हो गया है वो, ठीक है? बैक टू नेचर, परंतु
पोइट ने क्या बोला है, उसने पोइट ने बोला है कि हमें नेचर की तरफ लौटना होगा, क्योंकि उसने खुद ने अपने स्टैंड बताया कि मैं तो नेचर के साथ में रहूंगा। ठीक है, तो पोइट डिसाइड करता है खुद के लिए दैट आई वुड रादर बी ए पेगन, कि मैं एक पेगन रहना चाहूंगा। ठीक है, ये पेगन कौन होते हैं, जो मल्टीपल गॉड्स को पूजते हैं एक तरीके से, और वो नेचर के मतलब डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को, चाहे नेचर में पानी हो, हवा हो, सूर्य हो, आग हो, सबको पूजते हैं। तो बोलता है कि अब क्रिश्चियनिटी के अपोजिट में है पेगनिज्म, देखा जाए तो क्रिश्चियन धर्म, अब इंग्लैंड में तो क्रिश्चियन धर्म चलता है, तो क्रिश्चियन धर्म के अपोजिट में है पेगन। तो वो बोल रहा है कि भले ही लोग मुझे गलत बोले, पर मैं पेगन कहलाना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें नेचर की पूजा होती है, और ये जो क्रीड है, ये जो धर्म है ना, ये अब आउटवर्न हो चुका है, ये पुराना हो चुका है, अब इसको कोई फॉलो नहीं करता है पेगनिज्म को, परंतु मैं फॉलो करूंगा फिर भी इसको, चाहे लोग मेरे को क्रिटिसाइज करें। तो वो क्योंकि उसका उसी कंपेनियनशिप जो है ना, वो नेचर के साथ में, और बेसिकली उसके ओपिनियन में वो नेचर के बिना एक्चुअल में अकेला हो जाता है, तो नेचर के साथ में वो फोरलोन, अकेलापन फील नहीं करता, नेचर के साथ में उसको कंपेनियनशिप फील होती है। अब वर्ल्ड में भले ही बहुत सारे लोग हैं, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, परंतु सब लोग मेरे लिए अनजान है, मेरा उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा उनसे रिलेशनशिप नहीं है, पर नेचर के साथ मुझे रिलेशनशिप फील होता है। तो बोलता है कि फिजिकल मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है ना, वो उसको अकेलापन फील कराता है, परंतु नेचर नहीं कराता, इसलिए वो नेचर चूज करता है और वो एंजॉय करना चाहता है, क्या खड़े होके घास के मैदान में, और देखना चाहता है ट्राइटन और प्रोटियस गॉड को, जो ग्रीक गॉड्स है ना, उनको देखना पसंद करेगा इंस्टीड ऑफ लिविंग इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के बजाय वो नेचर के साथ में उसके एक तरीके से सीन, उसकी एंजॉयमेंट, उसकी ब्यूटी, उसको एंजॉय करना चाहेगा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी है इसमें, पर्सोनिफिकेशन, देखो सी द सी दैट बेयर्स आर बॉसिंग टू द मून, ये समुद्र जो अपनी छाती खोल देता है चांद के लिए, तो यहाँ समुद्र को ऐसे दिखाया गया जैसे कोई इंसान है, ठीक है, जो अपनी छाती खोल के मतलब एक तरह से स्वागत कर रहा है मून का, तो ये इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, इसको मानवीकरण कर दिया। ऐसे एक और है स्लीपिंग फ्लावर, सोते हुए फूल, यहाँ पर भी जैसे फूलों को सोता हुआ दिखाया गया, जैसे वो इंसान सो रहा है, फूल थोड़ी ना सोते हैं। ठीक है, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। सिम्बली, सिम्बली में देखो विंड बिकम्स साइलेंट, हवा शांत हो जाती है और काम चुप हो जाती है इन द इवनिंग, इवनिंग में, एंड बीइंग कंपेयर्ड विद स्लीपिंग फ्लावर्स, और उसको कंपेयर किया जाता है स्लीपिंग फ्लावर्स के साथ में, क्योंकि उसमें ऐसा बोलता है लाइक स्लीपिंग, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, मतलब वैसे सो रहे हैं। ठीक है, तो विंड शांत हो गई, काम हो गई, स्लीपिंग फ्लावर्स के जैसे, लाइक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल करके कंपेरिजन किया जाता है, तो हम उसे सिम्बली कंसिडर करते हैं, तो सिम्बली होगा। कॉन्सोनेंस, ये जो समुद्र है दैट बेयर्स आर बॉसम टू द मून, इसमें क्या रिपीटेशन ऑफ एस साउंड, सी सी बेयर्स है ना, बॉसम्स, ठीक है, सौ 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 साउंड का, दिस दिस सी बेयर्स बॉसम, सौ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो और साथ में एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो हैव साइट ऑफ प्रोटियस, साइट स प्रोटियस राइजिंग सी, तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे एस साउंड, इस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल। एलिटरेशन, वी ले वेस्ट, वी वेस्ट, व व ग्रेट गॉड, ग ग, तो व और ग साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रही है। ठीक है, जब वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आए तो उसे एलिटरेशन हम मानते हैं। ठीक है, तो एलिटरेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट असोनेंस, असोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, वर्ड में कहीं भी हो सकता है, बीच में, आगे पीछे कहीं भी। तो देखो इसमें क्या है, आई साउंड, विंड्स वी, विल, हाउलिंग ई ई, ई साउंड विंड, एक तो ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ई साउंड का रिपीटेशन, तो ये क्या हो गया, असोनेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट एनियमेंट, ठीक है, द विंड्स दैट, अब एनियमेंट होता क्या है, एनियमेंट ऐसा डिवाइस है कि जैसे पोएम की एक लाइन है, अब पोएम की लाइन पूरी हो गई, नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन, पोएम की लाइन तो पूरी हो गई परंतु सेंटेंस, वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य अगली लाइन में जारी है, मतलब यही सेंटेंस, यहाँ पोएम की लाइन तो पूरी हो गई परंतु वाक्य पूरा नहीं हुआ ग्रामर का, तो वो अगली लाइन में कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनियमेंट, वो अगले स्टेंजा में भी कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, यानी कि इस स्टेंजा की लास्ट लाइन और अगले स्टेंजा की पहली लाइन, तो वो कंटिन्यू है, ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, यहाँ तक एक लाइन पूरी हो गई है आवर्स, परंतु सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस अगली लाइन में कंटिन्यू है, एंड आर अपगेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अपगेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। ठीक है, तो ये एनियमेंट का एग्जाम्पल है। अल्यूजन, अब अल्यूजन में क्या होता है, रेफरेंस दिया जाता है पुराने किसी कैरेक्टर का, प्लेस का, ऐसे। ठीक है, तो ग्रीक गॉड ट्राइटन एंड प्रोटियस, रेफरेंस दे रहे हैं ग्रीक गॉड, प्राचीन काल के गॉड्स का रेफरेंस मिल रहा है लास्ट की दो लाइन में, तो यहाँ एल्यूजन का इस्तेमाल हो गया। पैराडॉक्स, देखो सॉर्डिड बून शब्द इस्तेमाल किया गया, सॉर्डिड का मतलब कुछ इमोरल, गंदा, और बून का मतलब कुछ आशीर्वाद देने वाला, अच्छा। अब
ये पैराडॉक्स इसलिए हो गया क्योंकि दो अपोजिट टर्म्स हैं, ठीक है, वो साथ में है परंतु उनका सही मीनिंग भी निकल रहा है, सिर्फ जोड़ने के लिए साथ में नहीं है। सॉर्टेड बून, यानी इट इज ट्रू, ये बून, लोग इसे बून मांग रहे हैं। किसको बून मान रहे हैं? कि भाई वो फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए बून है, परंतु वो सॉर्टेड है, वो इमोरल काम करके वहां जा रहे हैं, वो नेचर से अपना साथ छोड़ रहे हैं और बेसिकली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में अपना साथ जोड़ रहे हैं, तो इसको सॉर्टेड बून कहा है। बात एकदम लॉजिकली ठीक है, दो अपोजिट शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे हो सकता है, मतलब कोई आशीर्वाद बुरा कैसे हो सकता है? आशीर्वाद बुरा होना एकदम दो अपोजिट चीज बोल रहे हैं आप तो, ठीक है, कि सॉर्टेड बून बुरा आशीर्वाद, आशीर्वाद बुरा कैसे हो सकता है, परंतु आशीर्वाद बुरा है, राइटर ने यही समझाया है। कैसे बुरा है? कि जिसे लोग आशीर्वाद समझ रहे हैं वो एक्चुअल में बुरा ही है, वो आशीर्वाद नहीं है, है ना, ठीक है, कि वो फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होकर पैसे कमाना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु वो गलत है, वो उनके लिए आशीर्वाद नहीं है, वो उनके लिए बुरी चीज है, वो इमोरल चीज है। अब रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स पोएम में है। देखो पोएम में ऐसा है कि पोएम कंसर्न शो करती है कि जो सिचुएशन हो रही है ना उसके प्रति कंसर्न शो कर रही है पोएम, कि क्या सिचुएशन हो रही है, कि ह्यूमन है वो खुद को डिटैच कर रहा है नेचर से और इन्वॉल्व हो रहा है फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में, तो ह्यूमन ने फीलिंग स्टॉप्ड फीलिंग फॉर द नेचर, नेचर के लिए फील करना बंद कर दिया है, इसकी ब्यूटी के लिए फील करना बंद कर दिया है, तो पोएम एक तरीके से लैमेंट, विलाप कर रही है कि इंसान का नेचर से टच हो गया है, और वो एक तरीके से ह्यूमन को कर्ज कर रही है, बोल रही है कि तुमने नेचर को भुला दिया है। तो ये रोमांटिसिज्म के एलिमेंट है, क्योंकि रोमांटिसिज्म में क्या होता है, फीलिंग्स एंड इमोशंस पर फोकस होता है, नेचर की ब्यूटी पे फोकस होता है, और नेचर की इंपॉर्टेंस पे फोकस होता है। पोएम में डायरेक्ट नेचर की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, परंतु वो बताना ये चाह रहे हैं कि इंसान अपने इमोशंस को गलत जगह लगा रहा है, उसको नेचर के साथ में लगाना चाहिए, ठीक है, नेचर की ब्यूटी, नेचर की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, तो इसलिए इसमें रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कंसर्न शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और स्ट्रक्चर राइम्स की देख लेते हैं, पोएम 14 लाइन की, क्योंकि सोनेट है, पोएम क्या है, सोनेट है 14 लाइन की, और ये पेट्रार्चियन सोनेट है, यानी शुरू की 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट की 6 लाइन सेस्टेट, ठीक है, क्या है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट फॉर्मेट में। तो राइम स्कीम क्या है, ABBA, ABBA, CDC, DCD, कैसे राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम ऐसे होती है, आप लास्ट वर्ड को देखो पोएम के, हर लाइन के लास्ट वर्ड को, जैसे सून, सून को हमने दिया ए, पावर्स, क्या सून और पावर्स की तुकबंदी बैठ रही है, नहीं बैठ रही, इसको बी देंगे, आर्स, आर्स एंड पार्स दोनों साथ में मैच हो रही है तो इसको बी दिया था, इसको बी देंगे, बून, सून और बून ये दोनों मैच कर रही है तो इसको ए दिया था तो इसको भी ए देंगे, तो ABBA, ठीक है। अब मून, मून, बून, सून ये सब मैच कर रहे हैं तो इसको भी ए देंगे, आर्स, 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 पार्स तो ये इसको बी देंगे क्योंकि उनको बी दिया था, फ्लावर्स, आर्स, फ्लावर्स, ठीक है, बी, ट्यून, ट्यून बेसिकली मून, बून इनसे मैच कर रही है तो ये भी ए होगा, तो ABBA, ABBA, ABBA शुरू की 8 लाइन का था ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट की 6 लाइन, बी, बी किससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ऊपर तक, तो ये सी, डिफरेंट वर्ड देंगे इसको, अल्फाबेट, नेक्स्ट अल्फाबेट मतलब। आउट, वॉर्न, वॉर्न किससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको डी देंगे, ली, बी और ली ये दोनों मैच कर रहे हैं, सी, सी, डी, सी, तो नेक्स्ट 3 लाइन का क्या हो गया, सी, डी, सी, ठीक है। फोरलॉन, फोरलॉन, आउट वॉर्न ये दोनों मैच कर रही है, डी, सी, सी, ली, बी इसको मैच कर रहा है, सी, हॉर्न, हॉर्न, फोरलॉन, आउट वॉर्न ये डी, डी, सी, डी, डी, सी, डी, सी, डी, सी, डी, सी, डी, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो गया इसका, मतलब राइम स्कीम हो गई, ABBA, ABBA, CDC, DCD, ठीक है। तो बच्चों ये अपना क्रिटिकल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, जल्दी डालूंगा फटाफट, अब आप जितना बाकी रह रहा है आपका कोर्स करवाते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, और ये नोट्स साइड से ले लेना आप लोग, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।